फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हाउ डिड कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिजम जो कॉमन लोग थे उन्होंने अभी आप नाजिजम के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हो कि नाजी आइडियोलॉजी क्या थी वो किस तरीके से जो हिटलर था वो डिक्टेटर बना जर्मनी का उसके बाद उसने उन्होंने क्या क्या प्रोसीजर क्या क्या स्टेप्स उठाए अब ये जो कॉमन लोग थे वो नाजिज्म के लिए किस तरीके का रिएक्ट करते थे मैनी सो द वर्ल्ड थ्रो द नाजी आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाज़ी लैंग्वेज बहुत सारे लोग जो थे वो दुनिया को नाजी आ, के आ, जो विचारधारा है उसके तरीके से दुनिया को देखते थे और उनके दिमाग में वही चीज़ें चलती थी ची, वही बातें वो बोलते थे जो नाजी लैंग्वेज उनको सिखाती थी दे हेटेड एंड एंगर सर्च इन साइड दैम वन दे सॉ सम वन लाइक ए जू लोगों के मन में नफ़रत जागती थी और एक गुस्से की जो आग है वो उनके अंदर भड़कती थी जब कभी भी वो किसी भी ऐसे इंसान को देते थे जो किसी जीव के जैसा दिखता था दे मार्क द हाउसेज ऑफ जीव एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स उन सभी जो लोग थे उन्होंने जितने भी जीव लोगों के घर थे उनको माक किया हुआ था और अगर उनको अपने आसपास अपने नेबरहुड में कोई भी ऐसा सस्पिशियस इंसान दिखाई देता था तो उसकी रिपोर्ट दे देते थे दे जेनरली बिलीव उनको सही मायने में ऐसा लगता था कि जो नाजिजम जो है वही उनके देश के अंदर प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं और उनकी जो जनरल वेलबिंग है मतलब उनका जो अच्छा सुख सुख समृद्धि है वो सिर्फ़ नाजी लोगों के साथ जुड़ी हुई है लेकिन नॉट एवरी जर्मन वॉज नॉट ए नाजी लेकिन हर एक जर्मन वासी जो था वो नाजी विचारधारा से सहमत नहीं था बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किए एक्टिव रेजिस्टेंस दिखाया नाजिज्म के प्रति ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ लोगों ने जो पुलिस है उसका सामना किया और कईयों को तो मौत मौत भी मिली इसको रे, आ, रेजिस्ट करने के लिए द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन हावर वर पैसिव लेकिन बहुत सारे जो बड़ी मात्रा में जो जर्मन वासी थे वो बहुत ही पैसिव थे वो सिर्फ चुपचाप देखते थे जो भी चीज़ें हो रही थी वहाँ पर एंड ऑन लुकरस एंड अपैथेटिक विटनेस और सिर्फ उदासीन होकर सिर्फ देखते थे साक्षी बनते थे जो भी चीज़ें हो रही थी वहाँ पर दे वर टू स्यर टू एक्ट उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था कि वो अगर कुछ भी करेंगे टू डिफर टू प्रोटेस्ट अगर वो अपना प्रोटेस्ट दिखाएंगे या फिर उनकी बातों से सहमत नहीं होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था। They preferred to look away. तो ऐसी तो जब चीज़ें हो रही होती थी किसी जीव के साथ या किसी दूसरे व्यक्ति के को अगर कोई सजा मिल रही थी उसके साथ बुरा हो रहा था, तो वो इस तरीके से आगे बढ़ जाते थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं पेस्टर्नर जो था एक फाइटर था, उसने, किया, Observed an absence protest, an उसने किया कि वहाँ पर किसी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं था एक अजीब सी खामोशी उसने वहाँ पर महसूस की जितने भी ऑर्डिनरी uh, जर्मन लोग थे उनके बीच में इन द फेस ऑफ ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट पीपल जो भी <coughs> नाजी एम्पायर में जो भी अमानवीय तरीके से क्राइम हो रहे थे लोगों के खिलाफ उस तो उसको देखते हुए उसने कुछ वर्ड लिखे हैं ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस उसने क्या लिखा है फर्स्ट दे केम फ्रॉम कम्युनिस्ट वेल आई वाज नॉट ए कम्युनिस्ट वो बोलता है कि पहले जो वो लोग थे नाजी लोग कम्युनिस्ट लोगों के लिए लेकिन मैं तो कम्युनिस्ट भी नहीं था तो मैंने कुछ भी नहीं बोला उसके बाद ये जो लोग थे वो आए सोशल डेमोक्रेट्स के लिए बट आई वॉज़ नॉट ए सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग तो मैंने कुछ भी नहीं किया उसके बाद ये द केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट बट आई वॉज नॉट ए ट्रेड यूनियनस्ट एंड दैन दे केम फॉर द जीव फिर वो जीव लोगों के साथ बुरा सलूक करने आए बट आई वॉज़ नॉट ए जी लेकिन मैं एक जीव नहीं था तो मैंने कुछ भी नहीं किया वैन दे केम फॉर मी लेकिन जब फाइनली वो लोग मेरे लिए आए या मेरे साथ बुरा सलूक किया दे वॉज नो वन लेफ्ट वू अप फॉर मी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था जो मेरे लिए खड़ा हो सके मेरे लिए बोल सके वर्ड जियूज़ फेल्ट अब जियूज़ जो थे वो खुद क्या महसूस करते थे नाजी जर्मनी में कि उनके लिए जो भी चीज़ें हो रही थी उसके लिए वो खुद क्या महसूस करते थे वर्ड यूज़ नाज़ी फेल्टजी टोट एक स्टोरी ऑल टूगेदर एक अलग बात है कि वो अपने लिए क्या महसूस करते थे चार्लेट ब्राडेड जो था सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम इन हर डायरी ये चार्लेट ब्राडेड जो थी उन्होंने अपने जो अ, लोग जो थे वो क्या महसूस करते थे उन सभी बातों को उसने अपनी डायरी में लिखा बाद में इनको पब्लिश किया गया और इस, इसको हाईली रिकग बुक जो था उसका उसको ऐसा माना गया इस बुक को कॉल्ड द थर्ड राइक ऑफ ड्रीम इस बुक को नाम दिया गया शी डिस्क्राइब्स वो बताती है कि हाउ जीव डेम सेल्फ बिगिन इसकी बुक में ये सब लिखा गया है कि वो किस तरीके से जो जीव थे उन्होंने शुरू कर दिया था कि खुद के लिए वो चीज़ों को बिलीव करना कि जिस तरीके से नाजिन लोगों ने उनको स्टीरियोटाइप किया हुआ था उनको सपने में भी उनकी हुक नोज दिखाई देती थी कि ऐसी नाक जो आगे से मुड़ी हुई है जिस तरीके से इनको डिस्क्राइब किया जाता था उनके जो काले बाल थे उनकी जो आंखें थी जीव लुक एंड बॉडी मूवमेंट जिस तरीके से जीव को डिस्क्राइब किया गया था उनकी बॉडी मूवमेंट्स को बताया जाता था द स्टीरियोटाइपिकल इमेज नाजी जो थे उनको उनके सपनों में उनकी हुक नोज दिखाई देती थी उनके काले बाल उनकी आँखें और जिस तरीके से ज्यूज़ लोगों की बॉडी मोमेंट्स डिस्क्राइब की जाती थी नाजी लोगों के द्वारा वही सब उनको दिखाई देता था द टिपिकल इमेज पब्लिसाइड इन द नाजी प्रेस हंटेड द ज्यूज जो भी स्टीरियो टाइपिकल इमेज उनकी पब्लिक uh, वो छापी जाती थी नाजी प्रेस के द्वारा वही उनका सपनों में भी पीछा करती थी जीव लोगों का उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल होती थी इवन उनके सपनों में भी जीव डाइड मैनी डेथ वो कई मौत मरते थे गैस चैम्बर तक पहुँचने के पहले उनको ऐसा लगना शुरू हो गया था कि क्या वाकई में हम लोग ऐसे ही हैं जिस तरीके से हमको डिस्क्राइब किया जाता है जिस तरीके से नाजी हमको प्रेजेंट करते हैं नॉलेज अबाउट द हॉलो कास्ट का मतलब है किलिंग ऑफ जीव बाय द नाज़ीज़ इन्फॉर्मेशन अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो नाजी प्रैक्टिसेस थी दे ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ रेजिम ये जो इनके नाजम का जो आखिरी साल थे उस सालों के दौरान जो ये सारे काम थे जो नाजी लोग कर रहे थे जितने सारे लोगों के साथ बुरा सलूक कर रहे थे जो भी प्रैक्टिस चल रही थी ये सारी इनके आखिरी सालों में बाहर रिस रिस कर सामने आने लगी जर्मनी से बट इट वॉज द ओनली आफ्टर द वॉर एंड द जर्मनी वॉज डिफिटेड द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर्स ऑफ वॉट हैड हैपन लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ जर्मनी की हार के साथ फिर पूरी दुनिया को ये जान पता चला कि वाकई में जितने भी हॉरर्स जो हुए हैं इस वर्ल्ड वॉर की आड़ में उन सारी बातों के बारे में पूरी दुनिया को तभी जानकारी मिल पाई वाइल द जर्मन्स वर प्री ऑक्युपाइड विद यर ओन प्लाइट एज ए डिफीट। हालांकि जो जर्मन वासी थे वो खुद की अपनी हार का बोझ नहीं उठा पा रहे थे एंड डिफीटेड नेशन इमर्जिंग आउट ऑफ द रूबल और ये जो हारा हुआ जो देश था वो अपने खुद के कचरे से मतलब खुद के बोझ के तले दबा हुआ था और निकलने की कोशिश कर रहा था द जियूज़ वॉन्टेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर जीव जो चाहते थे कि पूरी दुनिया जो भी एट्रोसिटी जो भी अत्याचार जो भी सफरिंग उन लोगों के साथ हुई हैं पूरी दुनिया उनके बारे में जान पाए और जो भी नाजी लोगों ने किलिंग ऑपरेशन किए हैं पूरी दुनिया को इसके बारे में जानकारी मिले ऑल्सो कॉल्ड द होलोकास्ट इसको नाजी किलिंग ऑपरेशन को होलोकास्ट भी कहते हैं एट इट्स हाइट्स ए गैथो इनहेबिटेंट हैड सैड टू अनदर दैट ही वांटेड टू आउटलिव द वॉर जस्ट फॉर हाफ एन आवर प्रीज्यूम्बली ही मीन दैट ही वॉन्टिड टू बी एबल टू टेल द वर्ल्ड अबाउट वट हैड हैपन इन नाजी जर्मनी गैथो में रहने वाला एक इनहेबिटेंट जो था वो दूसरे को कह रहा था कि वो इस वॉर के ख़त्म होने के बाद लगभग आधा कम से कम हाफ एन आवर तक वो ज़िंदा रहना चाहता है मीन्स वो ये देख कहने की कोशिश कर रहा था कि वो दुनिया को बताना चाहता है कि जो भी नाजी जर्मनी में इन लोगों के साथ हुआ वो पूरी दुनिया को पता चले दिस इन इन डोमिटेबल स्पिरिट ऑफ बियर विटनेस एंड प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन इन मैनी गेथ एंड कैंप इनहेबिटेंस हु रोट डायरीज कैप्ड नोटबुक्स एंड क्रिएटिड आर ये जो अदम्य मतलब ऐसा अविश्वसनीय जो स्पिरिट थी कि विटनेस बनने की कि पूरी दुनिया को दिखाने की क्या चीज़ें हुई थी उनके साथ इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया गया बहुत सारे गेटोज में बहुत सारे कैंप्स में जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उन्होंने काफ़ी सारी डायरियाँ लिखी हैं नोटबुक्स लिखी हैं और संग्रहालय भी बनाए हैं आर्चिव्स जो हैं उनको बनाया गया है दूसरी तरफ द दॉर सीम्ड लॉस जब आ, वो युद्ध हार चुके थे नाजी लीडरशिप Distributed patrol to its functionaries to destroy all in, uh, incriminating evidence available in the offices. दूसरी तरफ जब ये हार चुके थे युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो जितने भी इनके लीडर्स थे इन्होंने पूरे इनके फंक्शनरीज़ को जितने भी इनके ऑफिशियल्स हो उनके बीच में पेट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि जितने भी एविडेंस बच गए हैं अलग अलग ऑफिस में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि दुनिया को पता ही ना चले येट द हिस्ट्री एंड मेमोरी लेकिन ये जो हिस्ट्री है और जो हॉलोकास्ट जो है उसकी मेमोरीज़ हैं उनको संभाल के रखा गया है मेमोर्स के रूप में फिक्शन के रूप में डॉक्यूमेंट्रीज़ के रूप में पोइट्री लिखी गई हैं और मेमोरियल्स बनाए गए हैं म्यूज़ियम बनाए गए हैं पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दीज आर ए ट्रिब्यूट ये जितने भी चीज़ें बनाई गई हैं ये एक ट्रीब्यूट हैं वो रजिस्टेड जिन्होंने इसको रजिस्ट किया है और Embracing reminder to those who collaborated and a warning to those who watched in silence. ये जिन्होंने इसको रजिस्ट किया है इसको विरोध किया उसके लिए एक ट्रिब्यूट है और एक रिमाइंडर है जिन्होंने इसके इसको इनका साथ दिया है और एक वार्निंग है जिन्होंने एक साइलेंस में इस चीज़ इन सब चीज़ों को देखा है सो दैट्स एट इन दिस वीडियो